हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी नंबर 7 और उसके आगे के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या बोलता है, उसमें जो पहला जो प्रॉपर्टी बोलता है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे माइनस दे देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यदि इफ़ क्या हो जाएगा, इफ़ क्या बोलते हैं, इसका कंडीशन जो है, इफ़ माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू एक्स, माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू एक्स, और हो जाएगा वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सही, वाई जो होगा लेस देन इज इक्वल टू वन, ये भी होगा वाई लेस देन इज इक्वल टू वन, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए लेस देन इज इक्वल टू वन। तो ये मेरा पहला फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इफ़ माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू वन, वाई लेस देन इज इक्वल टू वन, अरे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू वन। सेम कंडीशन, लेस देन इज इक्वल टू वन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, ये हो जाएगा इक्वल्स टू वन। अब तीसरा जो फार्मूला जो है इसी में जो है, इसी में हम लिखना है क्या हो जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अलग अलग फार्मूला आपको याद रखने हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उस समय आपको काम देगा। इफ माइनस वन बाय रूट टू लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन बाय रूट टू। चौथा जो इसी में जो फार्मूला है वो क्या है, तो है थ्री साइन इनवर्स एक्स। तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। इफ इसमें क्या हो जाएगा, वन बाय टू माइनस वन बाय टू लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, वन बाय टू। तो इस तरह से ये हम लोग का फार्मूला अभी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बारी बारी से यदि इसको हम लोग क्या करें, प्रूफ करें। तो इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें से जो दो फार्मूला जो ऊपर वाला दो फार्मूला लिखे हैं, ये दोनों फार्मूला आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसमें आपको बहुत फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, प्रूफ ऑफ फर्स्ट क्या बोला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस रहेगा तो वहाँ ही माइनस लगा दीजिएगा। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, या तो इसको लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, साइन ए इज इक्वल टू एक्स। फिर मान लेते हैं साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, यहाँ से हो जाएगा कितना, साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। अब सोचिए, देयर फोर यदि हम लोग यहाँ से कॉस ए का वैल्यू निकालना चाहें, साइन ए का वैल्यू है एक्स, कॉस ए का वैल्यू ये मेरा है पी बाय एच मतलब वन, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बी बाय एच, तो होगा बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा
रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। देयर फोर यहाँ यदि हम लोग साइन बी है, यदि हम लोग यहाँ से कॉस बी का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इतना हम लोग निकाल सके हैं। आप लोग जानते हैं फार्मूला, याद कीजिए फार्मूला साइन ए प्लस बी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हम लोग जान रहे हैं फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू कितना है यहाँ एक्स, कॉस बी का वैल्यू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू ये है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का वैल्यू ये हो जाएगा वाई। तो यहाँ से हो जाएगा कितना साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू आ गया मेरा एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस क्या हो गया यह एक्स स्क्वायर। यदि हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकालें तो साइन साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी का वैल्यू, a और b का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है, क्या माने थे a को साइन वर्स x, तो हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए a हम लोग का क्या हो गया, पहला जो फार्मूला प्रूव करना था ये पहला फार्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। तो ये फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी में था तो यहाँ प्लस हुआ, यदि यहाँ साइन ए माइनस बी निकालेंगे होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो माइनस दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार प्लस हो जाएगा। चलिए आप इसको उसके लिए आप जो माइनस वाला जो फार्मूला है आप उसी प्रकार से खुद से प्रूव कर लीजिएगा, सिमिलरली उसी प्रकार आप कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा जो प्रूफ है कॉस वाला, चलिए कॉस प्रूफ ऑफ सेकेंड, ये कितना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये है एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। चलिए लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स। यदि यहाँ से देयरफॉर यदि हम लोग यहाँ से साइन ए का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा मान लेते हैं कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से हो जाएगा या कॉस बी इज इक्वल टू वाई, तो देयर फोर ये हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल सॉरी साइन बी इज इक्वल टू कॉस बी है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग मान लिए हैं। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, नाउ याद कीजिए फार्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, देखिए कॉस ए का वैल्यू एक्स कॉस बी का वैल्यू वाई माइनस साइन ए का वैल्यू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी का वैल्यू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया कॉस ए प्लस बी का वैल्यू, तो a प्लस बी का वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा वह, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर। अब a प्लस ए और b का वैल्यू जो माने थे उसको पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या था कॉस इनवर्स एक्स, तो देयर फोर हो जाएगा यह कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये हम लोग का हो गया जो दूसरा फार्मूला जो मेरा था प्रूव करने वाला, दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया है। यदि हमको माइनस वाला प्रूव करना है तो फार्मूला लगाएंगे यदि कॉस ए माइनस बी का तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो इसीलिए लिखिए यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा प्लस। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए यार, ये दोनों जो प्रूफ जो किए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे दोनों का प्रूफ देखते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ थर्ड।
क्या प्रूव करने बोला है, ये है टू साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेट कर लेते हैं साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, चांस कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। देयर फोर यदि हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो मेरा कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन है ये पी बाय एच मतलब वन है, बी का वैल्यू निकाले हुए और रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए फार्मूला, नाउ पढ़े होंगे फार्मूला साइन टू थीटा या तो साइन टू ए का होता था टू साइन ए इंटू कॉस ए मतलब हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा कितना साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स, कॉस थीटा का वैल्यू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करें साइन को उठा उधर ले जाएं तो हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफोर टू थीटा किसको माने थे साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को क्या हो गया तीसरा जो फार्मूला था वो भी प्रूफ हो गया। यदि हम लोग चौथा जो फार्मूला उसका प्रूफ की बात करें, प्रूफ ऑफ फोर क्या बोला है थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। लेट कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना थीटा, तो देन यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू यदि भी निकाल भी लें तो कॉस थीटा वैल्यू होगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या इस कॉस थीटा का जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है। नाउ अब याद कीजिए फार्मूला साइन थ्री थीटा का फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे, साइन थ्री थीटा कितना होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर को फोर साइन क्यूब थीटा। सारा फार्मूला इलेवेंथ का ट्रिगोनोमेट्री से है, यदि जो स्टूडेंट्स इलेवेंथ में ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं उसके लिए बहुत परेशानी होगा, तो आपको इसके साथ भी क्या कर सकते हैं और नहीं भी पढ़े हैं कम से कम फार्मूला आप जो है याद करते चलें नोट करते चलें आपका काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा का हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, तो हो जाएगा थ्री थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री एंड थीटा का वैल्यू पुट कर दिए कितना साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। तो ये भी फार्मूला जो था हम लोग का फार्मूला नंबर इस वक्त था फोर्थ, वो भी हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया है। तो बहुत आसान था, चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए थोड़ा सा हम एक जो है यहाँ पे मिस्टेक से गलती लिख दिए हैं, क्या चीज़ है कंडीशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। हालांकि ये प्रॉपर्टी इतना कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमको लास्ट में बताना था, आप लिख दिए प्रॉपर्टी नंबर सेवन में ही, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को पढ़ना तो फार्मूला सब एक ही है, लेकिन हालांकि इसको बताना चाहिए हमको ये दोनों जो फार्मूला एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए आपको पीडीएफ में जो होगा वो प्लस के लिए अलग लिखा होगा माइनस के लिए अलग लिखा हुआ है और दोनों को हम साथ में मिला दिए हैं और इसको अलग जो प्रॉपर्टी है एट उसमें करके लिखा हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको जो है ये कंडीशन को थोड़ा सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के अनुसार से लिख दिए थे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर एट में जो है, हालांकि दोनों का प्रूफ हम पहले प्रॉपर्टी नंबर सेवन में ही कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए इसी में तीसरा जो है वो कितना हो जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या होगा इफ जीरो लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन। चौथा जो फार्मूला है थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री कॉस एक्स। हालांकि ये सारा चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नया चीज़ है,
तो जगह इफ 1/2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग प्रूफ हम लोग करेंगे अभी इन बचे हुए जो 3 और 4 का, फर्स्ट एंड सेकेंड का प्रूफ हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए प्रूफ ऑफ 3, ये कितना है 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा 2x² - 1। लेट कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो देन यहाँ से हो जाएगा कितना एक्स इज इक्वल टू आ तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग जानते हैं नाउ, याद कीजिए फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। कॉस 2 थीटा का हम लोग फार्मूला क्लास 11th में चार चार फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। पहला था कॉस और साइन के टर्म में, इसको थोड़ा सा एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस 2 थीटा का था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, था 2 ओनली कॉस के टर्म में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओनली साइन के टर्म में था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओनली टेन के टर्म में था 1 - tan² / 1 tan² ये चारों हम लोग फार्मूला क्लास 11th में आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला अभी देखना है, कॉस इनवर्स है इनवर्स है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला किस में देखेंगे, ओनली कॉस के टर्म में, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बताइए हो जाएगा कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है तो हो जाएगा 2x² - 1, तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा 2x² - 1। अब यहाँ से देयर फोर हो जाएगा 2 × थीटा को क्या माने हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² - 1। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया है। अब चौथा का जो है फार्मूला उसको यदि प्रूफ करना चाहे वह भी, चलिए फार्मूला उसको ही प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ 4th क्या बोला है, 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये है कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब नाउ याद कीजिए फार्मूला, कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, सब ये सब जितना फार्मूला भी लिख रहे हैं यूज कर रहे हैं 12th का फार्मूला, सब सारा चीज आप 11th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे आपका लापरवाही है, क्योंकि सारा कुछ उसमें लिखा और सब बताया गया है। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos³θ - 3 cos θ, तो जगह 4 cos का वैल्यू है x, तो जगह 4x³ - 3x, तो मेरा हो जाएगा cos 3 थीटा, तो देयर फोर इधर हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। 3 हो गया, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना है cos इनवर्स x, तो हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो ये फार्मूला हम लोग का क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से बहुत जितने भी फार्मूले हैं हम लोग प्रूफ से उतना ध्यान नहीं रखे, प्रूफ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि ये सब जो है 11th का फार्मूला आपको ध्यान में आ जाए। बस इसको बताने का मेन रीज़न वही है ताकि 11th का फार्मूला भी आपका रिवीजन हो जाए और 12th का जो है हम लोग को पढ़ना था प्रूफ वो भी हो जाए। हालांकि आपका प्रूफ से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हम लोग को थ्रू आउट रिजल्ट याद रखने हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले जो है बच गए हैं वो क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो हालांकि आपको जो है अभी प्रूफ किए हुए थे उसमें पीडीएफ में करके लिखा हुआ है आपका 2 tan inverse x का जो फार्मूला था वो साइन इनवर्स x के केस में कितना था, ये है 2x / 1 + x² और कॉस इनवर्स x बराबर है 1 - x² / 1 + x². हालांकि इसका प्रूफ तो उसी से बता दिए थे जब फार्मूला बता रहे थे tan inverse वाला, तो
तो अगला जो हम लोग का उसी में है वो है साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो फॉर्मूला है टैन वर्स एक्स इज इक्वल टू इसी का एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इस सभी का जो है आपका जो बुक में बहुत अच्छे से करके लिखा हुआ है, बताया गया है इस तरह से फॉर्मूला करके कि साइन वर्स इस तरह लिखा हुआ है उसमें, साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सेक इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू, ये है कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स। सभी का सभी जितना जो लिखा हुआ है सब आपका क्या है तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। हालांकि इसके बारे में तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स होता है पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब जो है एक कॉस इनवर्स में सेक इनवर्स में है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल तो होगा ही, ये भी उसी प्रकार से, तो मेन हमको ये दोनों को प्रूव करना है। अरे तो इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये तो रेसिप्रोकल वाला है, तो मेन हम लोग का क्या करना है इसी को प्रूव करते हैं। चलिए इसको लेट कर लेते हैं, प्रूफ कीजिए लेट साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, आंसर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यदि यहाँ से हम लोग चाहें साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया एक्स हो गया, यदि हम लोग लिख सकते हैं यदि कॉस थीटा यदि लिखें तो होता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रूट अंडर वन माइनस क्या चीज़ साइन स्क्वायर थीटा, क्लास टेन में पढ़े हुए थे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस थीटा को क्या माने हैं साइन वर्स एक्स, तो देयर फोर ये हो जाएगा साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहला फार्मूला जो हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। यदि इसी का बात करें दूसरा जो फार्मूला था उसको ही प्रूफ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगेन लीजिए इसको, यदि हम लोग लिखें tan थीटा इज इक्वल टू तो इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। अब sin थीटा तो ठीक है, cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और sin थीटा को क्या किए लेट कर लिए इतना x, तो जगह x बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा क्या था tan थीटा, तो देयर फोर यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या है साइन वर्स एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये भी फार्मूला हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया है। अब देखिए ये जो दो बचे हुए जो है कॉस तो होता है सेक का इनवर्स होता है, कॉट जो है दोनों आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन वाला है, तो दोनों ऑलरेडी उसी प्रकार आप प्रूव कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हालांकि दोनों तीनों जो था सब एक जैसा था। अब हम लोग को पढ़ना है टेन वर्स एक्स का जो फार्मूला जो है सो इतना जितना भी फार्मूला इसमें लिखा रहे हैं बताया है या तो पीडीएफ पे लिखा हुआ है, फिर सिर्फ आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, प्रूफ नहीं भी याद रहेगा तो कोई से दिक्कत नहीं है। तो tan वर्स x इज इक्वल टू tan वर्स x का दो फार्मूला, एक होता है sin के केस में तो होता है sin इनवर्स x बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा होता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके साथ में हम लोग को इन दोनों को भी याद रखना है, जरूरत पड़े तो हम इसका यूज हम लोग कर सकते हैं या तो करेंगे। यदि इसका प्रूफ करना चाहते हैं चलिए एक का हम कर देते हैं और जो एक है आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए प्रूफ
कॉस वाला हम कर दे रहे हैं, टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए, टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स को क्या मान ले थीटा, तो हो जाएगा यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या चीज़ टैन थीटा। नाउ अब याद कीजिए फार्मूला, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा का वैल्यू हुआ है। यदि इसको हम लोग देयर फोर यदि हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लिखें तो हो जाएगा वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा किसको माने हैं टैन इनवर्स एक्स को, देयर फोर हो जाएगा या टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हम लोग का ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से जितना भी हम लोग का थ्योरेटिकल चीज था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, जितने भी क्वेश्चन बोलते हैं प्रॉपर्टीज एंड फार्मूले थे, वो सभी हम लोगों का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। वो जो एक्सरसाइज है केसी सिन्हा में, इसका एक्सरसाइज नंबर 4.1। आप चाहे तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, आपको जैसे मर्जी है, आप जो भी बुक फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। देखिए टाइप वन, टाइप वन में जो क्वेश्चन बोला है, बोलता है फाइंड द वैल्यू, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला बोला है इसमें साइन इनवर्स रूट अंडर थ्री बाय टू। आप बताइए हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं साइन इनवर्स जो ही बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय टू से कहाँ तक, पाई बाय टू प्रिंसिपल जो ब्रांच होता है वहाँ तक। तो ये इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या साइन में रूट अंडर थ्री बाय टू कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो पाई बाय थ्री। साइन पाई बाय थ्री को इतना लिख सकते हैं, याद कीजिए फार्मूला, हम जानते हैं सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो देयर फोर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री, ये मेरा कितना हो जाएगा पाई बाय थ्री। तो इस तरह से इसका आपका जो है आंसर आ गया। उसी प्रकार से यदि इसी का सेकेंड जो है ये है टेन इनवर्स कितना है माइनस वन बाय रूट अंडर थ्री, इतना है। अभी भी हम लोग जानते हैं कि टैन का भी कहाँ से होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन टैन इनवर्स टैन माइनस थर्टी डिग्री, क्योंकि टैन हम लोग जानते हैं टैन माइनस तीस लिखे तो हो जाएगा माइनस टैन तीस डिग्री, हो जाएगा माइनस वन बाय रूट अंडर थ्री। तो इसका हम लोग इसको माइनस वन बाय रूट थ्री को लिख सकते हैं टैन माइनस तीस डिग्री, मतलब हो जाएगा टैन इनवर्स हो जाएगा टैन माइनस पाई बाय सिक्स। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय सिक्स, तो सिंस लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन थीटा क्या होता है थीटा। तो ये हम लोग का जो था दूसरा जो था इसी का सेकेंड, वो भी हम लोग का प्रूफ हो गया है। उसी प्रकार तीसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। इसी में फोर्थ जो बोलता है वो क्या बोला है, वो है कॉट इनवर्स कॉट फाइव पाई बाय फोर, है ना, कॉट इनवर्स कॉट फाइव पाई बाय फोर। क्या इसको लोग ऐसा चेंज करके लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट, इसको ऐसा लिख देते हैं पाई प्लस पाई बाय फोर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, और वहाँ पाई पर रेशियो चेंज नहीं करता है, तो हो जाएगा कॉट पाई बाय फोर। अब बताइए कॉट इनवर्स कॉट थीटा ये क्या होता है थीटा, तो हो जाएगा पाई बाय फोर। तो लिख सकते हैं यहाँ से कॉट इनवर्स
कॉट थीटा क्या हो गया, थीटा। तो ये मेरा हो गया क्या चीज का आंसर। उसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसी का जो है, इसी का जो है क्वेश्चन नंबर जो है फोर भी बिल्कुल उसी, फाइव भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। सिक्स देखिए वो बोलता है आर्क साइन 1/2 प्लस ये है आर्क कॉस 1/2। हम बोले थे आर्क को क्या है, तो इनवर्स को ही आर्क बोला जाता है, तो हो जाएगा साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/2। याद कीजिए फॉर्मूला बताए थे साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तब दोनों का क्या था वैल्यू सेम, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाय टू। तो जरा आंसर सिर्फ हम लोग को इसको समझना था, ये आर्क लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, वह इनवर्स का ही बात कर रहा है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अब जो है बचे हुए जो क्वेश्चन है इसमें टाइप वन में, टाइप वन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन में आप ट्राई कीजिएगा उससे बन जाएगा, और जो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टू और थ्री का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया आपको समझ में आया होगा, बशर्ते आपको जितना फार्मूले हैं आपको थ्रू आउट याद रखने पड़ेंगे, इलेवेंथ का भी ट्वेल्थ का भी। चलिए आज के लिए इतना ही, और जो बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।